दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गत पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेव तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमेदं श्री दक्षिणां संभोगे विप्रलंबे निरुभयमभयं भाति भूपो परसानां विक्षेपे वा समाधो विहरण निपुणा ब्रह्म विद्यैव इत्थं लोकैरसोकैरनुपदमधिकं भाव्यमानो वधूता श्रीपूर्णानन्दतीर्थ पथि पथि पथिकान् नन्दयन् ब्रमीति ओ प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञानमुत्राय कृष्णाय गीतामृतसुहे नमः ॐ। तो अब स्थित प्रज्ञोपनिषद जो प्रारंभ हो रहा है अब से लेकर के और अध्याय के अंत पर्यन्त उसका नाम है स्थित प्रज्ञोपनिषद। उस स्थित प्रज्ञोपनिषद की उत्थानिका के रूप में अर्जुन प्रश्न करता है। पुराणों में आया है कि अर्जुन भी नर का रूप है बोला, और नर और नारायण एक ही हैं। श्री कृष्ण नारायण है और अर्जुन नर है, और एक ही परमात्मा के ये दो रूप हैं। सत्वम एकाम द्विधा स्थितम, एक ही सत्ता जिज्ञासा विशिष्ट वृत्ति से युक्त होकर के अर्जुन बना हुआ है, है? और तत्वज्ञान रूपा वृत्ति से युक्त बन करके श्री कृष्ण बना हुआ है एक ही। वहां भी वही चेतन है और यहां भी यही चेतन है, और अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। केवल लोगों की भलाई के लिए अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि लोग जान जाएं कि स्थित प्रज्ञ महात्मा कैसा होता है। और जो स्थित प्रज्ञ महात्मा का लक्षण होता है वही जिज्ञासु को प्रयत्न पूर्वक अपने जीवन में धारण करने के लिए होता है। सिद्ध का जो लक्षण होता है वो साधक के लिए साध्य होता है। कभी क्यों वर्णन करते हो कि महात्मा को कोई जरूरत है कि उसकी पहचान सबको बताई जाए कि उसमें ये लक्षण होता है, ये लक्षण होता है, ये लक्षण होता है, क्या जरूरत उसको है? बोले भाई महात्मा को तो कोई जरूरत नहीं, चाहे उसको कोई महात्मा समझे चाहे दुरात्मा समझे, जो दुरात्मा समझेगा उसका दिल बिगड़ेगा और वो पाप का भागी होगा, और जो महात्मा समझेगा वो पुण्य का भागी होगा, श्रद्धालु होगा, उसका हृदय शुद्ध होगा। जो महात्मा को महात्मा समझेगा उसका हृदय शुद्ध होगा, जो महात्मा को दुरात्मा समझेगा का उसका हृदय अशुद्ध होगा। तो महात्मा को तो कोई जरूरत ही नहीं है कि वो अपने लक्षण को पहचाने और अपने अंदर उनको धारण करे, कोई जरूरत नहीं है। भाई जिज्ञासु लोग उस लक्षण को पहचाने और अपने अंदर धारण करें, जिज्ञासुओं की भलाई के लिए महात्माओं के लक्षण का निरूपण होता है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा बोलो, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम्। हे केशव, भगवान के लिए प्यारा प्यारा संबोधन है। महाभारत के उद्योग पर्व में केशव शब्द का अर्थ बताया हुआ है। केशाह अंशवः, केश माने ज्ञान की रश्मियां, तेषु वर्तते इति, तान वयते इति, जो ज्ञान की रश्मियों में वर्तता है, माने जो बुद्धि की वृत्तियां फैलती हैं घटाकार पटाकार मठाकार,
ये तो है ज्ञान की रश्मियां, और एसु चिदाभास रूपेण वर्तते थे, इनमें जो आभास बन करके सब में है, अहम घटम जानामि, अहम पटम जानामि, अहम मटम जानामि, है जो शुद्ध चैतन्य वृत्ति के साथ संबद्ध हो करके घट का ज्ञाता, पट का ज्ञाता, मठ का ज्ञाता बनता है, उसको बोलते हैं केशव। महाभारत के उद्योग पर्व में केश सभी नामों की व्युत्पत्ति है, उसमें केशव शब्द की यह व्युत्पत्ति बताई। अब ये तो पुराण की बात है ना, तो कहो जितना फैला दें। हरिवंश में केशव शब्द की व्युत्पत्ति दी हुई है, कश्च अश्च ईशश्च केशाः, क माने ब्रह्मा, अ माने विष्णु और ईश माने शिव, तान वयते प्रशास्ति इति केशवः, है परमात्मा। जो ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश की सकल सूरत को, उनकी क्रिया को संचालित करने वाला है। हरि ही हरिता, विधि ही विधिता, शिव ही शिवता, जोदई हरि विधु विधि शंभु नचावन हारे, उनका नाम है केशव। है पाणिनी की व्युत्पत्ति है, पाणिनीय व्याकरण की, प्रशस्ता केशाः अस्य केशाद बोन्यतरस्याम, जिसके बाल बड़े सुंदर होवें उसको केशव बोलते हैं। केशान वयते, जो अपने बाल संवारता है, राधाया केशान वयते, ये गौड़ेश्वर संप्रदाय की व्युत्पत्ति है, ये केशव हुआ। अर्जुन तो बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को संबोधन करके कहता है कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है। प्रश्न इसमें तीन है कि चार, विचार करो। बोले प्रश्न इसमें तीन नहीं है, चार है। समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जिस समय स्थित प्रज्ञ पुरुष समाधि में रहता है उस समय उसकी क्या पहचान है। भाषा माने परिभाषा, लक्षण, जो दूसरे से उसको जुदा कर दे, है ना। गाय का लक्षण क्या है, गले में ललरी का होना, शासनावत्व। आप कोई ऐसा पशु बताओ जिसके गले में वो ललरी लटकती हो, गल कंबल होवे, तो वो जो गल कंबल है, जो गाय के बैल के गले में लटकने वाली जो ललरी है ना, गल कंबल उसको बोलते हैं, वो गाय को भेड़ से जुदा कर देती है, बकरी से जुदा कर देती है, ऊंट से जुदा कर देती है, हाथी घोड़े से जुदा कर देती है, वो उसकी खास पहचान है। तो उसी को बोलते हैं लक्षण। लक्षण माने जिसके द्वारा आदमी लखाया जाए, लखाया जाए, लक्ष्यते अनेन, भाष्यते अनेन, ऐसे होता है। तो भाष्यते अनया इति भाषा, जिसके द्वारा व्यक्ति परिभाषित होवे, उसकी पहचान बता दी जाए, पक्की पहचान, उसको बोलते हैं भाषा। तो ये स्थित प्रज्ञ दो तरह का होता है, एक तो काम में लगा हुआ और एक समाधि में बैठा हुआ। तो दो विभाग कर दिया, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा इति एक प्रश्न। प्रश्न एक यह है कि जब स्थित प्रज्ञ पुरुष समाधि में बैठता है, स्थित माने स्थिर और प्रज्ञा माने बुद्धि, स्थिता प्रज्ञा यस्य, जिसकी समझ कायम मुकाम है। माने देखो, आदमी के लिए घर है कि नहीं, तुम्हारे रहने के लिए एक मकान है ना, वहां जाके रोज सोते हो, तुम्हारे प्लेट है, तुम्हारे माल है। तुम्हारी बुद्धि के लिए कोई मकान है कि नहीं, तुम्हारी बुद्धि किस निश्चय में जा करके विश्राम करती है। बोले नहीं, हमारी बुद्धि के लिए तो कोई मकान नहीं है। बोले तब जैसे रात को सड़क पर, सड़क के ये जो पटरियां होती है ना, उस पर सोने वाले आदमी की दुनिया में जो हालत है ना, बंबई में उस आदमी की क्या हालत है जिसको रात को सोने के लिए छाया नहीं मिलती, रेल की पटरी पर सो जाता है। बोले वाह, हम बड़े सेठ हैं, बड़े आदमी हैं, हम महल में रहते हैं। कहा, तुम महल में रहते हो लेकिन तुम्हारी जो बुद्धि है वो पटरी पर सोती है भला, और कभी कहीं, कभी कहीं एक ही जगह सोवे तो पुलिस पकड़ ले।
बिल्कुल नंगी, भूखी, प्यासी, थकी, मादी है, जिसको कोई विश्राम विराम का स्थान नहीं, ऐसी तुम्हारी अक्कल है, उसको अब वो हो गई अस्थित प्रज्ञा। और जिसकी प्रज्ञा के लिए स्थिति होवे, कायम मुकाम एक जगह रहती है, ब्रह्म को छोड़ करके कभी इधर उधर नहीं जाती है, उसका नाम हुआ स्थित प्रज्ञा। तो स्थिता प्रज्ञा यस्य, जिसकी प्रज्ञा स्थित है उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। समाधिस्थस्य तस्य का भाषा, जिस समय वो समाधि में रहता है उस समय उसकी क्या पहचान है। अब दूसरा प्रश्न है, ये तीन प्रश्न है व्युत्थित के लिए, जिस समय वो व्यवहार में रहता है उस समय कैसे वो क्या करता है। तो स्थितधि ही स्थिताधीर जस्य, जिसकी बुद्धि स्थिर है वो किम प्रभाषेत, वो बोलता क्या है, किमासीत बैठता कैसे है, और ब्रजेत किम चलता कैसे है। तो ये नहीं समझना कि ये चलने बैठने और सोने की बात पूछी जा रही है, ये पूछी ये जा रही कि वो संसार में भले बुरे लोग जो आते हैं उनके संबंध में क्या धारणा रखता है और कैसे भाषण करता है। तत्तत् प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, बुरे को देख करके द्वेष की बात नहीं करता, गाली नहीं देता, और अच्छे को देख करके उसका अभिनंदन नहीं करता। ये सब परब्रह्म परमात्मा में अध्यस्त पदार्थ, बाधित पदार्थ, माया मात्र बिना हुए ही दिख रहे हैं, इसमें क्या किसकी निंदा और क्या किसकी स्तुति है। सितदी किम प्रभाषेत, प्रभाषण माने तत्व दृष्टि से उसका भाषण कैसा है, और किमासीत बैठता कहां है, है? तो बैठता माने सिद्धासन से कि पद्मासन से कि स्वस्तिकासन से, ये नहीं। आप लोग तो 5 मिनट जो ध्यान करते हैं उसमें भी ठीक आसन से नहीं बैठते हैं, जो प्रेम कुटीर में यह निश्चय किया हुआ है, हैं, कि प्रारंभ में 5 मिनट शांति से बैठना, उस समय भी आप हाथ पांव ठीक करके नहीं बैठते हैं। पता नहीं घर में आप बैठते होंगे, हमारा ख्याल है कि घर में ज्यादा बैठते होंगे इसलिए यहाँ 5 मिनट को नहीं समेटते हैं, हैं? उस समय भी आपका सिर सीधा नहीं होता, शिवलिंग के समान, शिवलिंग के समान आपका सिर नहीं हो जाता, जिसमें आंख कान नाक, जिस शिवलिंग में आंख कान नाक के चिन्ह बना दिए गए हों और पत्थर का होवे, है ना, भाषण, उस तरह आपका सिर उस समय भी नहीं हो जाता, जिस पीठ की रीढ़ जो है उस समय भी ठीक नहीं होती, पांव का जो बंधन है कब वो उस समय भी पक्का नहीं होता, है? नेत्र की जो पलके हैं कब उस समय भी ठीक नहीं बैठती। तो इस 5 मिनट में भी, तो मैं तो ऐसा सोचता हूं कि आप लोग घर में हैं शायद ज्यादा बैठते हों, तो वो 5 मिनट यहां बैठ के क्या करना है। तो किमासीत, देखो युक्त आसीत मत परह, यदा संघरते चायम कुर्मोंगान इव सर्वसह इंद्रियाण इंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, विषयों से इंद्रियों को अलग करके अपने गोलक में बैठा लेना और युक्त आसीत मत परह, ऐसा बैठना, यहाँ किमासीत का अर्थ है उसकी वृत्ति कहाँ बैठती है, उसकी वृत्ति किन शब्दों का चिंतन करती है, और ब्रजेत किम वो चलता कैसे है, माने पांव डग जो है वो अपने दूर दूर रखता है कि पास पास रखता है कि दौड़ता हुआ चलता, ये मतलब नहीं है। ब्रजेत किम माने व्यवहार कैसे करता है। इंद्रियई विषयान इंद्रियई चरण राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियई चरण आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति, वो चरण जो हां है ना वो ब्रजेत, ब्रजेत इस प्रश्न का उत्तर है। और वो जो अंत में श्लोक है, निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति विहाय कामान जह सर्वान कुमास चरति निष्प्रिया, वो चरति जो है ना वो ब्रजेत का उत्तर है। तो जैसा उत्तर भगवान ने दिया है वो पूछने में अर्जुन का तात्पर्य है, अर्जुन पूछे कुछ और भगवान बतावे कुछ और, क्या ऐसा नहीं, अर्जुन का प्रश्न साधारण बैठना, साधारण चलना, साधारण बोलना ये नहीं है, जिस विषय का उत्तर भगवान देते हैं वो है। तो स्थितधि किम प्रभासेत, व्यवहार में उसका भाषण, आसन और गमन, व्यवहार विचरण,
ये कैसा होता है, ये चार प्रश्न इस श्लोक में किए गए। अब इनका उत्तर देने के लिए भगवान श्री भगवान वाचो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अब देखो आपको क्रम बता देते हैं इसका, सब में एक ही बात नहीं है। आत्मा में तुष्टि होने से स्थित प्रज्ञ हो जाता है, ये पहले श्लोक में है, है? और श्रेय प्रेय में अनासक्ति होने से स्थित प्रज्ञता आती है, ये बात दूसरे श्लोक में है। सुखे सुविगत प्रिया वीतराग भयक क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। समता आने से स्थित प्रज्ञता आती है, जस सर्वत्रान अभिस्नेह, ये तीसरे श्लोक में है। जदा संघरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वसह इंद्रियोपसंहार से स्थित प्रज्ञता होती है, ये चौथे श्लोक में है। और अनशन और तपस्या से माने विषय भोग का परित्याग करने से स्थित प्रज्ञता आती है, ये 59वें और 60वें श्लोक में है। और इंद्रियों का संयम करने से स्थित प्रज्ञता आती है, ये 61वें श्लोक में है। और प्रतिबंध जो आते हैं स्थित प्रज्ञ होने में, उनका वर्णन 62वें और 63वें श्लोक में है। तो ये आपको क्रम से हम चाहते हैं कि एक श्लोक एक दिन के हिसाब से जब रह जाएगा तब आपको विस्तार से सुनाना है, क्योंकि अभी श्लोक कुछ कितने हैं।